आइए स्टार्ट करते हैं टैली आरपी 9 की क्लास। टैली आरपी 9 में हम इस समय पढ़ रहे थे जीएसटी। कल मैंने आपको एक फाइनल वीडियो जीएसटी पे बना के भेजा हुआ था, शायद आप लोगों ने चलाया होगा और जीएसटी आपको क्लियर हो गया होगा। आज मैं उसी में कुछ जीएसटी के और फीचर और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। कल मैंने आपको रेट भी जीएसटी के बताए हुए थे, तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जीएसटी पे जो इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी भी, तो उसको कैसे क्रिएट किया जाता है और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले ये सीखते हैं। मैंने बोला था कि हिंदी में भी आपको मैं मैटर भेज दूंगा एक नोट्स के रूप में, ठीक है। ये जीएसटी से रिलेटेड आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको पूरा मैटर भेज दूंगा, ओके। जीएसटी एक्चुअल में क्या है उसको मैं बता ही चुका हूँ। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को जीएसटी कहा जाता है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जो सप्लाई होती है उसमें अलग अलग टर्न ओवर के आधार पर इसके रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं। टर्न ओवर मतलब आप समझ गए, आप ट्रांजेक्शन कितना कर रहे हैं, कितने का बिजनेस कर रहे हैं, उस आधार पर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन होते हैं। अलग अलग आधार पे 2-3 कैटेगरी बनाई गई है। जब हम जीएसटी को यूज करते हैं उस समय हमसे पूछता भी है, तो ये जानना जरूरी है किस कंडीशन में किस प्रकार के रजिस्ट्रेशन हमको करना चाहिए, ओके। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये मैं आपको बता ही देता हूँ। रजिस्ट्रेशन को करने के लिए क्या, जीएसटी को समझने से पहले हमें ये आपको प्रश्न आता है कि अनिवार्य रूप से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, किन्हें करना है, किन्हें नहीं करना, कितना एनुअल टर्नओवर होना चाहिए, तो इसमें आपको ध्यान देना है। ये जो है किसके अकॉर्डिंग है, अप्रैल के अकॉर्डिंग है। इसमें आप ध्यान देंगे 1 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाले सभी बिजनेस जिनकी वार्षिक बिक्री, ये आप ध्यान दें, वार्षिक बिक्री मतलब एनुअल टर्नओवर, ठीक है, साल भर में उनका जो टर्नओवर है कितना, 40 लाख, कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में 20 लाख, कुछ उत्तर और पूर्वी के राज्यों में 20 लाख है, बाकी के 40 लाख से अधिक है, उन्हें अनिवार्य रूप से जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा सकता हूँ। यदि आप बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, आप यदि साल भर में 40 लाख का टर्नओवर करते हैं, यानी कि साल भर में 40 लाख का लेन देन करते हैं, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, ओके। कुछ कंडीशन, कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया उत्तर पूर्वी राज्यों में 20 लाख एक क्राइटेरिया, 20 लाख, ओके। हालांकि अभी ये और बढ़ गया है, आगे मैं बताऊंगा आपको, अब इसको और भी बढ़ा दिया गया है, तो वो देखिए गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है किन राज्यों में कहाँ पे क्या चेंजेस किया जाता है। जब आप बिजनेस करेंगे तो आपको स्वयं नॉलेज होगा कि कहाँ पे अनिवार्य है, कहाँ पे अनिवार्य नहीं, ओके। जीएसटी के नियमों, ये कब का है, ये भी मैंने यहाँ देखिए स्पेसिफाई किया है, 1 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाले सभी बिजनेस जो भी है 1 अप्रैल 2019 के अकॉर्डिंग है, ओके। जीएसटी के नियमों का पालन करना होगा और नई जीएसटी लिमिट में ध्यान दिलाए किन किन बातों को ध्यान रखना है वो आप ध्यान देंगे। 40 लाख वाली लिमिट जो आपकी है ये क्या है, 1 अप्रैल 2019 से नए वित्तीय वर्ष से, और इसके लिए आपको कंसल्ट करना होगा टैक्स जो आपके होते हैं लॉयर, वकील होते हैं टैक्स, इनकम टैक्स के, उनसे आप मिलेंगे, तो पूरी डिटेल बता देंगे कि आपको किससे कितना, आपको तो जीएसटी इंप्लीमेंट करना है अपने टैली आरपी 9 में, फिर भी मैंने आपको बताया आपको ये लिमिट केवल सेल्स ऑफ गुड्स पर ही लगती है। ये जो लिमिट होगी किस पे लग रही है, सेल्स ऑफ गुड्स पे लग रही है, सर्विस के लिए ये लागू नहीं होती है। सर्विस मैंने बताया था जैसे रेस्टोरेंट है, होटल है, उस पे सर्विस के लिए ये लागू नहीं होगी, और सेल्स और जो गुड्स पे काम कर रहे हैं उस पे लागू होगी। इंटर स्टेट सप्लाई होने पर भी ये लिमिट लागू नहीं होती है, यदि इंटर स्टेट है तो भी आपकी ये लिमिट लागू नहीं होती है, ओके। इसके साथ ही निम्न बातों को भी आपको ध्यान में रखना है रजिस्ट्रेशन के लिए, NRI यानी कि भारत ई कॉमर्स, और ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले, टी
थ्री ईयर उनके नॉलेज उनका भी नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए कुछ वॉलेंटरी है, मतलब स्वैच्छिक पंजीयन है कि आप करवा भी सकते हैं नहीं करवा सकते। अगर आपको व्यापार को 20 से 40 लाख नहीं है तो आपको जीएसटी पंजीयन करवाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया। यदि आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है तो आप जीएसटी करवाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अनिवार्य न होने पर भी अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं एज ए वॉलंटियर। वॉलंटियर एज ए वॉलंटियर यानी कि स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, यदि आप रजिस्ट्रेशन जीएसटी करवाते हैं तो उसके बाद आपको भी अन्य की तरह जीएसटी के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यदि आपका 40 लाख का टर्नओवर नहीं है तो भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन यदि आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो फिर इसके नियम का पालन करना आपको जरूरी होगा। आगे चलकर व्यापार की वार्षिकता, यदि आपकी लिमिट कम भी होती है ज्यादा या उसमें अंतर आता है तो आपके जीएसटी अकॉर्डिंग बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलने लगेगा आपको, ये क्या फायदा नहीं मिलता वो आगे आपको ये भी बता रहा हूँ। इंटर स्टेट अप्लाई करने लगे, यदि आप जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि यदि आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो जहाँ से भी आप सप्लाई लेते हैं खरीदते हैं तो आपको ही टैक्स देना होता है। आप उसका टैक्स देते हैं लेकिन आप कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते, आप कस्टमर को जीएसटी वाला बिल नहीं दे सकते जब तक आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और रजिस्टर्ड नंबर आपका ओके, तो आपको ये फायदा मिलने लगेगा। और इंटर स्टेट आप दूसरे स्टेट में सप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, जीएसटी है तो आप सप्लाई भी कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा व्यापार करने की, आप ई कॉमर्स के माध्यम से यानी कि जो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसमें भी आप रख सकते हैं, किसी स्टेट कोई भी हो सकता है। गुड्स और सेवाओं की आपूर्तिकर्ता के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और आपको एक लीगल के रूप में जाना जाएगा, आपको कानूनी मान्यता मिल जाती है आपको भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। देखा जाए तो दो यूर है आपको बेनिफिट मिलते हैं, एक तो आपको देखिए जो बेनिफिट मिल रहा है कि आप जीएसटी दूसरे से भी ले सकते हैं और इंटर स्टेट भी यूज कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में भी सप्लाई कर सकते हैं। आगे ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है टाइप ऑफ जीएसटी, क्योंकि जब हम वहाँ जीएसटी का रजिस्ट्रेशन पहली बार की लाइन में करते हैं उस समय हमसे पूछता है वो किस टाइप का जीएसटी का आपका जो है कस्टमर है और सप्लायर है किस टाइप का, तो इसमें दो हैं, ये दोनों मैं आप समझाऊंगा। ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, रेगुलर मतलब सामान्य रजिस्ट्रेशन, रेगुलर डीलर के अंतर्गत वो सभी व्यापारी आते हैं जो सामान्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई करते हैं और जो किसी विशेष स्कीम या आधार के तहत जैसे कंपोजिशन स्कीम या फॉरेन NRI आवेदन नहीं करते, यानी कि जो सिंपल यूज करते हैं सरल शब्दों में कह सकते हैं वह बिजनेस जो अपने गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई करते हुए कोई दूसरी विशेष गतिविधि नहीं करते हैं उनको क्या कहा जाता है रेगुलर ऐसे बिजनेस या व्यापार के लिए रेगुलर डीलर के आधार पर जीएसटी किया जाता है और व्यापारी अनिवार्य रूप से या स्वैच्छिक रूप से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रेगुलर एक मेन स्कीम है जीएसटी, कंपोजिशन जो होती है इसको समझना बहुत जरूरी है, दो तरीके से है रेगुलर और कंपोजिशन। कंपोजिशन जो होता है एक्चुअल में छोटे व्यवसायियों के लिए जिनका टर्नओवर कम होता है उनके लिए कंपोजिशन स्कीम की जाती है। कैसे मैं आपको समझा देता हूँ, करंट अफेयर का थोड़ा सा रूल चेंज हुआ है। कंपोजिशन स्कीम को छोटे और तय बिक्री वाले व्यापारियों के लिए लाया गया है ताकि छोटे व्यापारी के लिए जीएसटी की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाए, यानी कि कम टर्नओवर वाले कितने से ये एक विकल्प है। अगर व्यापारियों को वार्षिक कुल यहाँ पे आप जोड़ देंगे, यदि व्यापारी जो है उसकी वार्षिक कुल आय जो है बिक्री जो करता है उसकी 1.5 करोड़ है यानी कि 1.5 करोड़ से कम है
यदि 1.5 करोड़ से कम है, पहले और था, अब थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, 1.5 करोड़ कर दिया गया है। यदि 1.5 करोड़ से कम बिक्री वाले बिजनेसमैन हैं तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, और कंपोजिशन स्कीम के तहत जीएसटी का करा। यानी कि देखा जाए तो दो हमको मिलते हैं, एक तो हमको मिलता है क्या, रेगुलर, और दूसरा हमको मिलता है कंपोजिशन। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान दें, कंपोजिशन स्कीम कौन ले सकता है, 1.5 करोड़ से कम वाले, क्योंकि जीएसटी रेट कंपोजिशन स्कीम में, कंपोजिशन स्कीम में हर तिमाही की टोटल सेल पर तुम्हें निम्न दर पर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। नॉर्मल स्कीम के रूप में सेल 18% लगता है, और खरीदे गए माल पर चुकाने गए जीएसटी इनपुट रेट मिलता है। वहीं कंपोजिशन स्कीम में सीधे सेल पर 1 या 5% टैक्स लगता है और इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। मैं आपको सिंपल वर्ड में बता दूं कि नॉर्मल जहाँ पे होता है वहां पे क्या समान रूप से सेल हो रहा है, 18% जीएसटी लगता है, और खरीदे गए माल को जीएसटी इनपुट क्रेडिट मिल जाती है। यानी कि जहाँ पे आप लेते हैं वहां आपको जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन वही यदि कंपोजिशन स्कीम है तो कंपोजिशन स्कीम में यही मेजर अंतर है, सीधे सेल पर 1% या 5% की दर से टैक्स भी लगता है और इनपुट क्रेडिट आपको नहीं मिलता है, ना दूसरे स्टेट में आप सेल कर सकते हैं। ट्रेड और मैन्युफैक्चर पे ये बताया, जीएसटी 1%, 0.5%, और रेस्टोरेंट पे 5%, ये जीएसटी आपको कंपोजिशन स्कीम में देना पड़ता है। अब इसके मैं बता देता हूँ कंपोजिशन स्कीम के क्या क्या यहाँ पे, वह इनपुट क्रेडिट के लिए क्लेम नहीं कर सकते, समझ गए, कि जीएसटी आप जहाँ से आप सप्लाई कर रहे हैं वहां से आप उसको जीएसटी के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। उन्हें एक फिक्स रेट में अपने टर्नओवर पर जीएसटी पे करना होगा, फिक्स रेट पर, बिल पे जीएसटी नहीं आप दिखा सकते। यदि कंपोजिशन स्कीम में है तो आप कस्टमर से जीएसटी का बिल नहीं दे सकते हैं, ना उससे ले सकते हैं। वर्ष में कुछ की सप्लाई के साथ उसको 5 लाख की सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। इस प्रकार के बहुत सारे डिफरेंस रहते हैं, मेजर डिफरेंस मैं बता देता हूँ। कंपोजिशन स्कीम डीलर जो है अंतरराज्यीय इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता है कंपोजिशन वाला। यदि रेगुलर है तो आप किसी भी राज्य में सप्लाई कर सकते हैं, आप जहाँ से माल लेते हैं उसकी जीएसटी का क्लेम कर सकते हैं, और कस्टमर से भी आप जीएसटी ले सकते हैं। लेकिन यदि आप कंपोजिशन स्कीम में कस्टमर से जीएसटी नहीं ले सकते, जीएसटी का बिल नहीं दे सकते हैं, और दूसरा आप दूसरे राज्य में सेलिंग नहीं कर सकते, आप सोचते होंगे सब लोग कहते हैं जीएसटी लग गया, जीएसटी लग गया, तो जीएसटी का बिल क्यों नहीं हमको मिलता है। तो यही डिफरेंस होता है, जो कंपोजिशन स्कीम जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, हमारे यहाँ छोटे छोटे बिजनेसमैन कोई जीएसटी का बिल नहीं दे सकता है, यदि लिखा भी होता है तो जीएसटी काट देता है। क्यों, कभी आपने गौर किया, इसीलिए काट देता है क्योंकि उसको अप्लाई नहीं है, वो कंपोजिशन स्कीम लिए होता है, या तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, 40 लाख से नीचे आ रहा होगा, या फिर 1.5 करोड़ से नीचे आ रहा होगा, तो कंपोजिशन स्कीम में होगा वो। जो बड़े बिजनेसमैन है, अधिक बिजनेस करते हैं इससे, वो आपका क्या करते हैं, वो जीएसटी का बिल दे सकते हैं और जीएसटी का क्लेम ले सकते हैं। ओके, इस प्रकार से आप पढ़ लेंगे। अब मैं आपको पहली आपकी लाइन में चेक कराना चाहता हूँ, इसका हमको कहाँ पे यूज होता है, कंपोजिशन और रेगुलर। आप जब जीएसटी क्रिएट करते हैं, देखिए पहली आपकी लाइन को मैंने ओपन किया, पहली आपकी लाइन को ओपन किया, और उसमें हम अपनी जीएसटी कंपनी को ओपन कर लेते हैं। तो यही हमारी एक ही कंपनी है, मान के चलिए जब हम तो सेलिंग परसेंट करते जाएंगे तब भी हमको जीएसटी जीएसटी इंप्लीमेंट होगा, तो मैं हमको पता चल जाएगा। अरुण लोकल सप्लायर हमारा राम है। अब हमने मान लीजिए इसको फिलअप किया,
जब आप इसको फिलअप करते हैं, जीएसटी इसमें इम्प्लीमेंट होता है, उस समय आपसे पूछता है एक मैनेजर क्रिएट करके डिपार्टमेंट देना होगा वो भी लग सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे रजिस्ट्रेशन टाइप जीएसटी का किस टाइप करेंगे, या तो है नहीं, ठीक है हमें मालूम ही नहीं, या तो कंपोजिशन या रेगुलर है, या कंज्यूमर भी है, हमारा कंज्यूमर भी हो सकता है, या फिर अनरजिस्टर्ड है, ये आपको बताना पड़ता है। यदि अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी होगा नहीं, आप अनरजिस्टर्ड कलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको मालूम हो गया यदि 1.5 करोड़ से नीचे का टर्न ओवर करता है तो आप कंपोजिशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि वो प्रॉपर बिजनेस कर रहा है, बड़ा बिजनेसमैन है, 1.5 करोड़ से ऊपर का टर्न ओवर है, तो आप यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपको मालूम। यदि कंज्यूमर है तो आप उनका कंज्यूमर, तो आप जीएसटी नहीं मांगेगा। ये देखिए यदि आप अनरजिस्टर्ड करेंगे तो भी जीएसटी नहीं मांगेगा, यदि आप रेगुलर सेलेक्ट किए तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा, और यदि आप कंपोजिशन सेलेक्ट किए तो भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। यहाँ पे आप ध्यान दें, दो कंडीशन में ही मैं जीएसटी दे रहा हूँ, अनोन या तो मुझे मालूम नहीं, तीसरी कंडीशन ये तो हो ही सकती है कि सुविधा मैंने जीएसटी दे दिया, मुझे नहीं मालूम है कि मैं कंपोजिशन में हूँ कि रेगुलर में हूँ। दूसरी कंडीशन हमारी बनती है कंपोजिशन है, 1.5 करोड़ से कम का टर्न ओवर है, कंपोजिशन और जीएसटी नंबर देना होगा। तीसरी कंडीशन हमारी कि हमारा बड़ा बिजनेस मैन है और बड़ा बिजनेस है और 1.5 करोड़ से ऊपर का टर्न ओवर है, तो हम क्या करेंगे रेगुलर। इस प्रकार से आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलता है जीएसटी को सिंप्लीफाई करने के लिए। ये मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, बुक है कंपोजिशन कौन ले सकता कौन नहीं ले सकता, ये सारी स्कीम मैं आपको पास करूँ, ठीक है। फॉरम नॉन रेजिडेंट ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, क्या लगता है, जीएसटी डिटेल भी मैं आपको दे दूंगा। टैक्स भरना करना होता है नहीं, किस पोजिशन पे जीएसटी के रूल को चुकाया जाता है, ये सारा डिटेल मैं आपको ओके। जीएसटी रूल्स के अनुसार दोषी पाए जाने पर टैक्स भुगतान नहीं करने या कम टैक्स भरने पर 10,000 या डे टैक्स की 10% जो भी ज्यादा भी हो सकती है जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी कि 10,000 तो न्यूनतम है, मिनिमम यदि आप जीएसटी दिए और नहीं देते हैं समय पे, और जो फिर आपका अमाउंट होगा उस पर 10% या उससे ज्यादा भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, ये भी मैं आपके पास दे दूंगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो चाहिए, मोबाइल चाहिए, ईमेल आई डी चाहिए, कहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रूफ चाहिए, प्रूफ ऑफ प्लेस बिजनेस, बैंक अकाउंट, ये आपको चाहिए, पार्टनरशिप के लिए भी आपको यही सारे डॉक्यूमेंट, कंपनी से रिलेटेड ये सारे डिटेल आपके पास होनी चाहिए, कंपनी का पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सारे डिटेल आपके पास होना चाहिए। उसका जो डायरेक्टर होगा, चेयरमैन होगा, उसकी पूरी डिटेल होना चाहिए, कंपनी के बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और अप्राइज लेटर होना चाहिए। ये जब सारी डिटेल आपके पास होगी, सोसाइटी है, एड्रेस है आपके पास, भाव है कोई, ये तो कोई एक हो सकता है जो भी आपके पास डिटेल, फिर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन पे जाना है, ये मैं आपको बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन की साइट, सीधा आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले bnc.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, फिर अपना उसमें जो डिटेल मांगेगा आपसे वो फिलअप करते रहना, पैन, मोबाइल नंबर, फिर OTP आएगा, वेरिफिकेशन करेगा, फिर आप एप्लीकेशन नंबर फीस में भरेंगे, उसमें बिजनेस का डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ये फिर पूरी उसकी प्रोसेस है। इस पूरी प्रोसेस को मैं आपके पास आप सेंड कर दूंगा, आई नोट आप उसको यूज करिएगा। इस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, जाएं उसमें सब डिटेल रजिस्ट्रेशन
ट्रैक एप्लीकेशन इसको क्लिक करें, क्लिक करने पे विंडो आपको खुलने होगी। यहाँ पे अपना ANR एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर एंटर करेंगे और बैचलर एंटर करेंगे। इस तरीके से आपको अपना एप्लीकेशन नंबर आपको बताता जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। मैं घर पे ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बता रहा हूँ। यदि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल अवेलेबल हैं, तो आसान के साथ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एग्जिस्टिंग स्टेटस बताएगा। फिर जब आपके पास क्लियर हो जाएगा स्टेटस आपको जनरेट कर देगा, तो सर्टिफिकेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उधर सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, पोर्टल में जाकर फिर डाउनलोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब इश्यू हुआ ये भी आपको पता चल जाएगा। डाउनलोड कर लें उसको, डाउनलोड करके आप उसको यूज कर। तो इस तरीके से मैंने रजिस्ट्रेशन का पूरा आपको नोट दिया बताया और इसको आपको देखना है। इसके साथ मैं एक बार और एक टैक्स बताना चाहता हूँ। एक्चुअली होता है अगर टैली आप यूज करते हैं तो एक टैक्स और आपको पूछता है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो आप आइटम क्रिएट करते हैं, कोई आइटम मैं आइटम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब आप GST रिटर्न भरते हैं ये देखिए अनटैक्स दिया, यहाँ पे आपने इंडिकेटेड टैक्स दिया, सेंटर टैक्स और स्टेट टैक्स को उसने कन्वर्ट कर दिया। एक ये सिर्फ ये सिर्फ ये टैक्स क्या होता है, किस लिए होता है टैली, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। क्या होता है सिर्फ क्या होता है, मैं नोट्स भी भेजूंगा बता दूंगा। सिर्फ हिंदी में होता है उपकर, एक ज्यादा किसी मुफ्त टैक्स के ऊपर लगने वाले एक एडिशनल टैक्स है, अतिरिक्त टैक्स है। जब कोई टैक्स हमारे पास GST लगा देते हैं, कहीं उसके अलावा भी यदि हमको कोई टैक्स लग जाता है, कई बार ऐसी कंडीशन आती है गवर्नमेंट और कोई टैक्स लगाती है, तो हमको एडिशनल टैक्स देना होता है। और एडिशनल टैक्स को देने के लिए कंपनी की टैली RP9 हमको प्रोवाइड करता है और हम एडिशनल टैक्स के रूप में उसे रेक्टिफाई करते हैं। सरकारें उसको समाचार के विशेष उद्देश्य के लिए इस टैक्स को लगाती है और इस टैक्स से उसके गए पैसे को कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए यूज करती है। मान लीजिए कोई आपदा आ गई, गवर्नमेंट को GST के अलावा कुछ एक्स्ट्रा टैक्स की आवश्यकता है, तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है। उसको गवर्नमेंट यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकती है और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको क्या करती है, एजुकेशन सेक्टर में जो उसका यूज करेगी, प्राइमरी शिक्षा के रूप में अलग से खर्च करेगी, एजुकेशन के नाम से लेगी, या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यूज कर सकती है, हेल्थ सेक्टर के नाम से लेगी। तो इस तरीके से यदि गवर्नमेंट की आवश्यकता है उसको, तो ये स्पेशल टैक्स को क्या कर सकती है गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंट कर सकती है और जरूरत पड़ने पे इसको यूज भी कर सकती है। किसे चुकाना पड़ता है, भारत में सिर्फ उन सभी करदाताओं पर लागू है जो टैक्स चुकाते हैं, भले ही टैक्स की मात्रा कितनी भी कम हो। यानी कि जो टैक्स देते हैं उनको सबको चुकाना पड़ता है, लेकिन एक गवर्नमेंट जब चाहे तभी ये लगाती है। और उस कंडीशन में बहुत से आपने सुना होगा रेड क्रॉस के टैक्स चलते हैं, स्पेशल कुछ लोकल टैक्स होते हैं उन पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, कलेक्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स ले लेती है कुछ स्पेशल चीजों पे। जैसे आप कोई स्पेशल वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशल टैक्स निर्धारित किए जाते हैं, तो ऐसे टैक्स के लिए टैली RP9 हमको ये ऑप्शन प्रोवाइड करती है। ये टैक्स ऐसे हो सकते हैं, एजुकेशन के लिए हो सकता है, रोड के लिए हो सकता है, ओके, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो सकता है गवर्नमेंट के, एनर्जी के लिए हो सकता है क्लीन एनर्जी है ना, कृषि के लिए, कृषि कल्याण बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट चलाती है, स्वच्छता के लिए, स्वच्छ भारत के लिए, एजुकेशन के लिए, ये सारे इस प्रकार के जो अलग से टैक्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उन टैक्सों के लिए ऑप्शन TLRP9 ने प्रोवाइड किया है और इसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। सिर्फ एक कार्ड में मैंने बता दिया था
हार्ड पैक पेपर के लिए एक दर होती है एकत्र करना, ये कंडीशन मैंने आपको समझा दिया, बाकी डिटेल में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस हिसाब से लेते हैं, ये भी एक गवर्नमेंट देखिए निर्धारित करती है और गवर्नमेंट के निर्धारित करने पे ही इसको दिया जाता है। जैसे माना कि मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल दिया है 18-19 में 4-5 लाख रुपए की आमदनी होती है, इस आमदनी पर प्रकाश के ऊपर कुल 10,000 रुपए का इनकम टैक्स बनता है। इस पर से का निर्धारण निम्न तरीके से होगा, चूंकि वह इनकम टैक्स 4% एजुकेशन फंड हेल्थ से लागू होता है, तो इसको चुकाने के लिए जो होगा 4% एजुकेशन या हेल्थ से चुकाना होगा, जिसका अमाउंट 10,000 में से जो टैक्स लगा है उसी में बनेगा, उसमें कितना बना 400 रुपये, 4% 400 रुपये उसको लगेगा। मतलब ये वित्तीय वर्ष में 18-19 में प्रकाश को 10,400 रुपये देना होगा। 10,000 रुपये तो उसने टैक्स दिया और 400 रुपये उसने सिर्फ टैक्स दिया, यानी कि एजुकेशन या हेल्थ। ओके, तो यहाँ तक आपको ये कंप्लीट करना है। इसके अलावा भी वाट इज द सरचार्ज, सरचार्ज भी होते हैं, सरचार्ज किस पे लगाया जाता है। आप ऐसे बीकॉम के स्टूडेंट हैं, सारे टैक्स आपने पढ़े होंगे, फिर भी मैंने बताने की कोशिश किया जो टैक्स मुझे बताना चाहिए था। सरचार्ज एक भी ये भी अधिभार होता है, टैक्स ऊपर टैक्स लगाया जाता है, इसका भी अलग से वसूला जाता है। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है गवर्नमेंट को और उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। एक निश्चित मात्रा से अधिक खर्च पर भी लगाया जा सकता है, एक निश्चित मात्रा से भी अधिक खर्च कर रहे हैं तब भी लग जाता है, मतलब उस प्रोसेस में होती है। भारत में किसको देना होता है सरचार्ज, ये इसका भी एग्जाम्पल समझा देता हूँ। 50 लाख रुपए से अधिक सालाना आमदनी वाले टैक्स पेयर जो भी होते हैं अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटीज का 10% अलग से सरचार्ज के रूप में चुकाना पड़ता है, 50 लाख से अधिक, कुछ कंडीशन आपको मालूम है। तो आज मैंने एक्चुअल में देखा जाए तो टैक्स पे पूरा एनालिसिस किया, टैक्स के बारे में बताया और कितने टाइप्स के रजिस्ट्रेशन होते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, टैली में इसकी क्या जरूरत है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, सेट भी बता दिया, सरचार्ज भी बता दिया आपको, इनको आपको पढ़ लेना है। ये आज मैं नोट्स भी आपको भेज दूंगा। ओके, और कल इसके बाद अब हम बात करेंगे जीएसटी के आगे ई बिल को जनरेट करना, टैली में ई बिल भी जनरेट किया जा सकता है, उसको कैसे जनरेट करते हैं ये भी हम सीखेंगे। तो आज के वीडियो में इस पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके।